नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, एक महीने से ज्यादा की अवधि उसे हो चुकी है। एक महीना पूरा होने पर जो पिछले दिनों महम चौबीसी के चबूतरे पर खाप चौधरी ने बड़ा फैसला लिया था जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालने का, वो कैंडल मार्च भी निकाला गया और अब 28 तारीख को बड़ी जो आप कॉल खाप पंचायत की ओर से दी गई थी दिल्ली के नए संसद भवन परिसर में महिला पंचायत की, उस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई है। खाप चौधरी की इस पूरे मामले में आगे के लिए क्या रणनीति है और इस पूरे प्रकरण को अब खाप चौधरी किस तरीके से देख रहे हैं, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, एक महीना खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को हो गया, जैसा महम चौबीस में तय हुआ था, मांग थी कि भाई नार्को टेस्ट हो और ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, दोनों ही काम अब तक नहीं हुए, कैंडल मार्च भी आप लोगों ने निकाल लिया, अब महिला पंचायत की तैयारी है, तो पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? अभी सरकार इसका समाधान निकाल ले, किस तरह का समाधान हो, जनता भी खुश रहे, वे जो हमारे पहलवान हैं वे भी खुश रहे, एक अच्छा संदेश जा, जो लोगों ने एक अपनी ताकत है वो तो दिखा दी, उसमें तो कोई कसर नहीं, सब ने इसमें जाति मजहब को भी बुला के, सब है उसे पार्टी को भी बुला के, वो तो लोगों ने दिखा दी, पर सरकार की जिम्मेदारी है इसका समाधान निकाल ले, ना कि उसमें लापरवाही बरते, जोर जबरदस्ती से उस तक या ये नहीं दबने का भी मामला, इसका तो समाधान ही निकाल ले सूझबूझ से, जो अच्छे आदमी है उन्हें, जो समझदारी आदमी है किसी भी पार्टी में हो किसी भी मजहब के, उसमें वो लेकर उसका वो करे, इसका समाधान निकाल ले, इसमें जिद ना करे, इसमें जिद में तो नुकसान में चले जाकर, और पूरे देश में एक विरोध हो रहा है इस बात का, इसमें एक रंग दिया जा रहा है भाई, तो एक बिरादरी का है, एक प्रदेश का है, तो हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो इस तरह की बात तो और हवा ना देश है, और इसके समाधान की तरफ वो करे, तो हमारी तो यही राय है। अच्छा, अब तक तो शांतिपूर्ण ही धरना प्रदर्शन चल रहा था, सिर्फ एक भाई वही जंतर मंतर के परिसर में एक बहुत सीमित जगह पे वो धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जब दिल्ली के इंडिया गेट तक ये खिलाड़ी कैंडल मार्च के लिए निकले तो कई हजार लोग भी उनके साथ सड़क पर उतरे, तो अब धीरे धीरे मान लो संख्या वहाँ बढ़ रही है और 28 तारीख को आप लोगों ने ऐलान किया है कि संसद का जो नया परिसर बन रहा है, नया भवन बना है, उसी दिन उसका उद्घाटन है और आप उन लोगों ने भी उसी दिन वहाँ पंचायत महिला पंचायत का ऐलान किया है, तो किस तरह की तैयारी इस महिला पंचायत के लिए खाप चौधरी की? एक तो विरोध का तो तरीका ही तो है, एक ऐतिहासिक पल है वो, जो संसद नए संसद भवन का जो हो रहा उसमें भी विवाद हो रहा खड़ा, उसमें भी प्रधानमंत्री जी अपने आप ही वो कर रहे उसका, जो उसको काफी विरोध हो रहा इस बात का, राष्ट्रपति जी जो सर्वोच्च नागरिक है इस उसके भारत के राष्ट्रपति है जो उनका उसमें बुलाया जा, तो उसका भी हो रहा है, और ये जो 28 तारीख का जनता की हो रही बातचीत जाने की, तो उसमें तो खैर जो मासी महम्मद जो निर्णय लिया गया तो उसे तो सफल बनाया जाएगा, और शांति के तरीके से हम तो जनता से भी यही अपील करें पर बिल्कुल शांति के तरीके से जो निर्णय ले रखा खाप चौधरी का, उन्हें भी हम नकारन जा सकता, भाई खाप चौधरी तो एक जिम्मेदारी का वो है, उसमें जो उन्होंने निर्णय ले लिया तो उसको तो पुगावेंगे, और फिर भी हम यही कहें उसका समाधान निकाल लो। और सब लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग नई संसद आप परिसर में आप लोग जाएंगे तो क्या सरकार इतनी आसानी से इजाजत दे देगी आप लोग वहां पे जाने की, दोबारा वो जो किसान आंदोलन के टाइम स्थितियां बनी थी वो नहीं बनेगी? नहीं, किसान आंदोलन के भाई विरोध का तो वही तो है, जगह तो है, रास्ता है, आदमी तो सरकार की जिम्मेदारी है उसे वो करे, वहां तक वो जाए, उनका जो एक कह रखी बात एक वादा हो रहा है वहां से सब जाना,
तो सरकार ना रुकावट करे। और वे क्या किसान क्या या जो पीड़ित है वे उसमें परिसर में थोड़े ही जाएंगे, वहां के पास मुख चले जाके अपना उसका रास्ता दे दे, तो सरकार की जिम्मेदारी है, अपना इनकी भी बात रह जाए उनकी भी रह जाए। ब्रजभूषण सिंह भी कह रहे हैं कि भाई 5 जून को उन्होंने अयोध्या में बड़ी रैली बुलाई है, अपना शक्ति प्रदर्शन वो कर रहे हैं, इधर जनता अपनी ताकत दिखा रही है इन खिलाड़ियों के पक्ष में, उधर ब्रजभूषण सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई शक्ति प्रदर्शन की तो बात यह है, कोई चुनावी सभा तो हो नहीं रही, अब ब्रजभूषण इसमें वो कर रहा बातचीत, बतेरी उसकी तो बतेरी थू थू होली सारे देश में उसकी, वो हो रहे ऐसा केस तो गंभीर है, यू आरोप तो गंभीर है। शक्ति प्रशिक्षण क्या करके जो आज ताकत है उन पे, वे तो कई लाख आदमी भी जुटा सके, पर जो आदमी है सच्चे दिल तो नहीं आदमी आने के, ठीक है पैसे के बलबूते पे उस पर वो जनता को बुला सके, ठीक है ताकत है पावर है, एक उसमें बिरादरी का भी रंग दिया जाए तो बिरादरी का ना करे, बिरादरी की तो बात गलत है, इस तरह का जहर नहीं घोलना चाहता। बिरादरी तो राजपूत समाज हमेशा सम्मानित रहा और हमने उनका हमेशा सम्मान करा, उन्होंने भी हमारा करा, हमारे राजपूत समाज में खूब संबंध है, खूब अच्छे हुए हैं, अच्छे आना जाना है, अच्छे पदों पे है, तो इसमें बिरादरी का रंग क्यों दिया जा, ये गलत है। इस पे पहले हुई थी एक बार, कितनी बात हो गई थी, उसमें हमने प्रयास करा तो उसमें हमें सफलता मिल गई, किसी ने कोई बयानबाजी नहीं कुछ ज़्यादा करी, कुछ नहीं, हम तो जो और समाज के है राजपूत समाज तो अलग है, उन्हें भी यही कहे नहीं किसी तरह की वो नहीं करो बिरादरी पे, किसी बिरादरी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं चाहती करनी, एक आदमी गलती कर रहा तो उसके लिए बोल ले, ना कि सारी बिरादरी के लिए नहीं बोलना चाहता, सब बिरादरी सम्मानित है, अच्छे है सभी, अपनी अपनी जगह सभी ठीक है, तो किसी भी बिरादरी के खिलाफ गलत नहीं बोलना चाहता। ये जो मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, परसों जो 28 तारीख में आप लोगों का संसद भवन परिसर में महिला पंचायत करने का ऐलान है, क्या सरकार के साथ किसी किस्म के टकराव की भी आशंका है क्या? नहीं, हमने तो कभी भी हिंसा में तो हमने विश्वास ही नहीं करा, बड़े बड़े आंदोलन हुए टिकैत साहब के आगे के हो रहे सन 87 से, जो किसानों की समस्या है उनका, उनके लिए रुक के रोड़े होते आए, हो जा कहीं ऐसी भी स्थिति आ जाए जो टकराव वाली हो, बात हम टकराव में नहीं विश्वास करते, टकराव तो एक बहुत गलत वो है बातचीत, सरकार के बहुत वो है, बहुत लंबे हाथ है, बहुत सारी वो है बातचीत, जो शांति के तरीके से गांधीवादी तरीके से बातचीत कही जा, 13 महीने का आंदोलन रहा बिल्कुल शांति के तरीके से रहा, कोई ऐसी बात नहीं, सरकार ने बड़ा षड्यंत्र रचा और सफल रहा, लोगों को धन्यवाद दे उस बात के लिए, पूरे 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में थोड़ा बड़ा वो आंदोलन रहा, और ये भी सफल ही होगा, और हम तो जनता से यही अपील करें कहीं भी कोई और तरह के आदमी से रंग दे सके, कहीं किसी उसमें कोई हरी टोपी ओढ़ के कोई किसान यूनियन के उसते या कहीं के उसते उसमें इसे बदनाम करा जा सके या कुछ हो, पर ऐसे ऐसे जो ऐसी ताकतें हैं उन तो सावधान रहने की बात है, और हिंसा का तो कोई भी हो नहीं, कुछ भी समाधान नहीं, ना हिंसा होनी चाहती, समाधान की तरफ को चाह, सब महंगाई का जमाना है, सब अब अपनी जगह सभी अच्छे है, और इसका समाधान कोई ऐसा समाधान ढूंढे जिससे इसका समस्याओं का समाधान हो, ना कि इसे वो ऐसा रंग दिया जा। दोनों आंदोलन भी आपके मान लो 28 तारीख में हो जाएंगे, और अब तक सरकार तो इस दिशा में कोई बड़ी कार्रवाई करती दिख नहीं रही, तो क्या आसार लग रहे हैं आपको, क्या मान लो 28 तारीख के बाद फिर खाप चौधरी को फिर से इस आंदोलन की नई रणनीति बनानी पड़ेगी? नहीं, खाप चौधरी तो हमेशा तैयार है, और इसमें अगर इस तरह था इसे दबाने की कोशिश करे तो नहीं दबने का, यू हम भी कोशिश कर लो, हम भी कह लो हमें भी कोई बुराई का ही पात्र बनेगा, कोई अगर इसमें कोई किसी तरह के बयान व्यान अलग से अलग बयान दे तो उसे जनता बर्दाश्त नहीं करने की, हमने खूब देख ली, खाप चौधरी है जो जिम्मेदार है, कई स्टेट के में है, हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, वहाँ से तो बल्कि पूरे भारत के ही आ रहे, चाहे 10 आदमी आओ तो पूरे भारत के ही आदमी आ रहे, कोई उसमें वो नहीं बात होती, जो वहाँ जाकर देखे वहाँ तो अलग ही वो है, तो सबकी निगाह वहाँ से है, जो कोई बगल अपने स्टेट में दूर भी है, कोई 1000 1000 2000 किलोमीटर भी बगल है, उन्हें भी वही है बात, भाई
यो आंदोलन सफल होना चाह। और जो हमारी पहलवान है, जो हमारी लड़की है पहलवान, उन्हें इस उसमें सफलता चाह मिलनी और उनका सम्मान भी रहना चाह।